वो ठाकुर का जो पड़े रहे तो ठाकुर हजाम ठाकुर भी तो होता है। वो काहे कहता है कि आँख खुल गया लोग को। कैसे आँख खुल गया? अरे वो आया जो जाति गंदा आया तो उसमें हाँ रिपोर्टवा जो आया उसमें अखबारे लोग जान गए। 6 नंबर पर? हाँ 6 नंबर पर है मेरा। हम बहुत वोटर खाली रहेंगे। हाँ। खाली वोट देने का अधिकार है। बिठाएगा जी? पानी पिलाएगा? नहीं जी, चिराग जी तो भाजपा ही बने हुए है तो चिराग जी को कौन वोट देगा? मुसलमान तो वोट देगा नहीं चिराग जी को। अब रामविलास जी हीरो थे? जी हीरो थे रामविलास जी, चिराग जी नहीं है हीरो। चिराग जी को आप लोग अभी चिराग जी आए? अरे चिराग जी वो किनको टिकट देते हैं? उनके यहाँ तो राजपूते का वोट राजपूते नेता बनता है, दूसरा कौन जाते हैं उसमें नेता? न एक पासवान को भी नहीं टिकट देते हैं, सब अपने भाई भतीजा आज चचा मिल करके लड़ते हैं। भतीजा तो ठीक है बोल रहे हैं चचा जी, देवो करते हैं तो राजपूत स्वर्ण जाति को टिकट देते हैं। 2 नंबर पर है चिराग जी दुसाद। अरे 2 नंबर रहने से क्या होगा? 2 नंबर आप 6 नंबर पर तो छाती चौड़ा कर रहे हैं, वो 2 नंबर में है तो वो अपनी ही जात को दे भाई, लेकिन दुसाहे जात को क्यों नहीं टिकट देता है? वो क्यों राजपूत को टिकट देता है? स्वर्ण जाति को क्यों देता है टिकट? जनगणना हुई बिहार में जी, और असर हो गया पूरे देश, में जी। उचकुन पर चल रही है नीतीश की सरकार। उचकुन पूछते हैं? उचकुन किसको बोलते हैं? अरे जो चूल्हा में उचकुन कहते हैं। उचकुनवा घस के सरकार भटके नीतीश जी में उचकुन लगा है राजद वाला। फिर एक उचकुनों ने चल जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। प्राइवेट बात, नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि राहुल गांधी? तो हाजीपुर में हम आए हुए हैं। कौन गांव है चचा? ये लरुई हुसैनाबाद है, ये जगह का नाम है ईदगाह चौक लरुई हुसैनाबाद। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नियाज अहमद हुआ। कौन जात है? मोबिन अंसारी। मोबिन अंसारी, देखिए इधर जातीय जनगणना की रिपोर्ट है। मोबिन अंसारी हैं आप? देखिए कितना जनसंख्या है इतना इनका देख लेते हैं। देखिए आ गया मोमिन। आई देखिए 161 नंबर मोमिन मुस्लिम जुल्हा अंसारी। 3.54 है आप। आबादी देखिए 46,34,245 है आपका। कितना है? 46,245 ले गड़बड़ कर दीजिएगा। देखिए 46,34,245 कलम को भी लिख लीजिए। 46? अरे कागज में लिख लीजिए आपका जात का आबादी है चचा। 46 लाख 34,000 कितना लिखे? 34,245 245। अब परसेंटेज वा लिखिए बगल में। 3.54 तीन पर सुनना ये जब बुंदू दे दीजिए। हाँ 5.4 लाई लिख देते हैं, प्रतिशत लिख देते 3.54 है ना? देखिए 3. गलती नहीं लिख रहे हैं, देख लीजिएगा। आई है मोमिन 3.5450%। देखिए 46,34,000 याद रखिएगा। अब आप है छठे नंबर पर जी। छठा नंबर पर कैसे हैं? 1 नंबर पर यादव है, 2 नंबर दुसाद है, 3 नंबर रविदास है, 4 नंबर कुशवाहा है, 5 नंबर पर आप ही के समाज के शेख हैं, और 6 नंबर पर आप हैं। पत्र दिखा दिया आपको। ठीक है, तो क्या होगा अब इस चुनाव में? जातीय जनगणना का इम्पैक्ट होगा, असर होगा जी? जातीय गणना का कैसे होगा? जातीय का असर तो होबे करेगा ना। कैसे होगा? आज जो है मोदी जी जो है 10 वर्षों से 9 साल से सभी को मानी कि सभी जात को हिंदू समाज बना करके सारे का वोट अब मानी कि लेना चाहते हैं और उसकी अधिकार को हक मारी कर रहे हैं। कैसे चचा? अरे आबादी है उसका कई % वहाँ माने की हिस्सेदारी है, संसद में हो चाहे राहुल गांधी बोलवे किए कि 90 गो में 3 गो ओबीसी है। हाँ, चाहे संसद में हो चाहे राज्यसभा से हो चाहे विधानसभा से हो, उसमें कई गो है माने की दलित मुस्लिम आर्थिक का माने की अति पिछड़ा का। मीडियम नहीं है चचा, जुडिशियल जज साहब नहीं है चचा जी, प्रोफेसर में नहीं है, खाली रह गया सब पदवा। हाँ वही तो कह रहे हैं माने कि सारा तो स्वर्ण जाति के ही लोग भरे हुए हैं जी। सगरो ठाकुर का कुआं हो गया है पूरा देश। अरे ठाकुर अभी जो आनंद मोहन जी है वो ठाकुर का जो पड़े रहे तो ठाकुर हजाम ठाकुर भी तो होता है। वो काहे कहता है कि अरे ठाकुर तो एक वो है वो
अथी वाला भी ये शर्मा जो है वो भी कहता है कि लोहार ठाकुर है, यही कहता है कि हमने ठाकुर पाला। बताइए तो इस जात को भड़काने के लिए ये सब जो है तो फॉर्मूला अपने कि कैसे हम हिंदू जात के वोट को हम ले ले, इस छोट जात के जो है वोट को जो है तो कब्जा कैसे करे, इसके वजह से ये जो है तो हिंदू मुसलमान तो पसमांदा है जी, पसमांदा बहुजन समाज से है जी, पसमांदासी है जी, फिर भी माने कि हक नहीं मिल रहा है, पसमांदा को हक नहीं मिल रहा है जी, नहीं मिल रहा है। लालू जी नहीं दे रहे हैं, लालू जी कहाँ दे रहे हैं, नीतीश जी नहीं दे रहे हैं, दिए हैं तो एका दुका, वो तो अपने लोग को जो है लड़िएगा तो ना चाचा जी, लड़ाई तो लड़ना ही है, अब तो आँख खुल गया लोग को, कैसे आँख खुल गया, अरे वो आया जो जाति गन्ना आया तो उसमें हाँ रिपोर्ट जो आया उसमें सारे लोग जान गए, 6 नंबर पर हाँ 6 नंबर पर है मेरा, इतना आबादी आ हमारा सीटे को ना, हम वोटर खाली रहेंगे, खाली वोट देने का अधिकार है हमको जी, पानी पिलाएगा नहीं जी, आप तो माने कि हम अपना हिस्सा को लेंगे, लड़ाई लड़के लेंगे, इससे लीजिएगा सरकार से लेंगे, जो आज कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको हटाएंगे, हम बैठेंगे, नीतीश जी को हटाइएगा, अरे नीतीश जो हमारा हक के लिए बोलेगा तो नीतीश जी को साथ में रखेंगे, लालू जी को भी साथ में रखेंगे, अगर हमारा हक नहीं देगा तो उनको भी, हाजीपुर है यहाँ चिराग जी के बारे में बोलिए नहीं रहे आप, अरे चिराग जी के बारे में क्या बोलेंगे, चिराग जी तो भाजपा ही बने हुए है तो चिराग जी को कौन वोट देगा, मुसलमान तो वोट देगा नहीं चिराग जी को, अब अरे जब तक के हीरो हैं फिल्म बनाते ना ना हीरो क्या रहेंगे, जीरो जीरो हो जाएंगे, रामविलास जी कितना काम किया है यहाँ, अरे रामविलास जी की बात कुछ और था, वो तो माने कि यहाँ काम करवे किए थे, रामविलास जी हीरो हैं कि चिराग जी हीरो हैं, रामविलास जी थे कि चिराग जी कहाँ से हो जाएंगे हीरो, रामविलास जी हीरो थे जी, हीरो थे रामविलास जी, चिराग जी नहीं है हीरो, चिराग जी को आप लोग अभी चिराग जी आए, अरे चिराग जी वो किनको टिकट देते हैं, उनके यहाँ तो राजपूते का वोट, राजपूते नेता बनता है, दूसरा कौन जाता है उसमें नेता, दूसरा कोई जात है चाचा है जी, नहीं न एगो पासवान को भी नहीं टिकट देते हैं, सब अपने भाई भतीजा आज चाचा मिल करके लड़ते हैं, भतीया तो ठीक है बोल रहे हैं चाचा जी, देवो करते हैं तो राजपूत स्वर्ण जाति को टिकट देते हैं, नवादम चंदन सिंह गरीब को, कैगो गरीब को दिए है टिकट, लोगे सब आकर टिकट संसद में छो का मांग कर रहे हैं ना इसे मोदी जी से, कै गो के दे देंगे मान ली टिकट, 2 नंबर पर है चिराग जी दुसाद, अरे 2 नंबर रहने से क्या होगा, 2 नंबर आप 6 नंबर पर तो छाती चौड़ा कर रहे हैं, वो 2 नंबर पे है तो, अरे तो 2 नंबर पे है तो माने की वो अपने ही जात को टिकट दे ना, हाँ वो अपनी ही जात को दे, माने की दुसादे जात को क्यों नहीं टिकट देता है, वो क्यों राजपूत को टिकट देता है, स्वर्ण जाति को क्यों देता है टिकट, जो आज राजपूत है वो क्या बोलता है, कौन है वो संसद में बोले कविता उसके लेकर के मनोज झा, उसके लेकर के ये जो है आनंद मोहन जो है कि बाप रे बाप ठाकुर ठाकुर को दिया हमको, सब इज्जत को दिया बोल, ठाकुर जात को बड़ा बेइज्जत किया सब, ये जो है सो बताइए RJD वाला बोल, अरे ठाकुर जात के लेते यहाँ तो ब्राह्मण ठाकुर ये सब मिलकर के तो तू राज करिए रहा, ठाकुर कह दिया तो क्या है, ठाकुर तो माने की लोहा ठाकुर होता है, हजाम ठाकुर होता है, बिल्कुल तो तू ठाकुर हो, तू कैसे हो गया ठाकुर, तू तो कहता है कि हम राजपूत है, ठाकुर कैसे हो गया तू है, आई लोग के बुर्बक बनाता है, बोलता हम बाबू साहेब हैं, बाबू साहेब है तो यही तो बाबू साहेब माने की गरीब के हक मार करके बाबू साहेब बोल के बैठल है 5% 2% 1% वाला, हाँ ये सब जान गया गाँव का आदमी, जानेगा नहीं गाँव के आदमी, पूरा एकदम बहुजन समाज एक हो गया है, एकदम बहुजन एक हो गया है, एक हो गया है, एक हो गया है बहुजन, यादव मुसलमान सब एक हो गया, बहुजन जितना अति पिछड़ा है सब एक हो गया, नहीं हुआ है, है? दलितों है, दलितों एक हुआ है, आदिवासी भी जी, आदिवासी करने पड़ेगा अभी चाचा, अरे जो हमारा हक देगा उसी को पड़ेगा, हेलीकॉप्टर में दीजिएगा नहीं, नहीं, अरे चिराग पासवान का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है आप आजते चाचा, अरे रोने से क्या होगा, क्या चिराग पासवान का चुनाव चिन्ह क्या है, अरे जो हमारा हक का लड़ाई लड़ता है उसी को ना देंगे, लालू जी ललटेन है, हाँ तो जो हमारा हमारा हक की लड़ाई लड़ेगा उसी को वोट देंगे, ये लड़ता है जो लड़ने आएगा, अब तो आया है सामने आया है, अब न जाती गन्ना का हिसाब, अब हिसाब के हिसाब से वो अधिकार हमको मिले, नाटक में भी होल है, रिलीज हो सकता है कहियो, हाँ 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 एकदम होगा, अब देखिए झटका लगा है केंद्र में, मोदी जी बोले हैं कि अब जितना ठीका पर बहाली होगा ना मोदी सरकार में या केंद्र में किसी की सरकार हो, सब में SC ST OBC का आरक्षण मिलेगा, एकदम मिलना चाहिए,
काहे नहीं मिलेगा? जनगणना हुई बिहार में जी, और असर हो गया पूरे देश, में जी, पूरे देश। आप भी तो पसमानदा ओबीसी हैं जी, आपको भी फायदा कर गया जी। फायदा कर गया, जो आदमी नहीं जानता था वो जान गिया जी। क्या करना है अभी, सरकार रहेगी मोदी की, पलट दीजिएगा? एकदम पलट जाएगा सरकार, मोदी का रहने वाला कहाँ है अब? अब सवाल ही नहीं है कि मोदी का सरकार होगा। बोले लाल किला झंडा मोदी जी फहरावेंगे, वो सब आती है प्राइवेट बात। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि राहुल गांधी? तो केंद्र में जिसका अधिकार ज्यादा होगा, माने कि संसद ज्यादा होगा, उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस का रहेगा तो कांग्रेस प्रधानमंत्री, राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री। नीतीश पर भरोसा? नीतीश को नीतीश कुमार पर तो नीतीश कुमार खुद भरोसा नहीं करते होंगे। हम सुतल है जदयू में, भाजपा के साथ हैं। इनको अब समझ में आ गया है, अब समझ में आ गया है कि हम गरीब दलित को छोड़ करके गलती करेंगे तो फिर जो है सो हम कहीं का नहीं रहेंगे। अभी कहाँ के हैं? अभी तो बाले के बीच वाला है। उचकुन पर चल रही है नीतीश की सरकार, उचकुन पूछते हैं? उचकुन किसको बोलते हैं? अरे जो चूल्हा में उचकुन कहते हैं, उचकुनवा घस के सरकार भटके। नीतीश जी में उचकुन लगा है राजद वाला, एक उचकुन ने चल जाएगा तो सरकार गिर जाएगा, गिर जाएगी। तो चलिए, तो नीतीश जी पर भरोसा है? भरोसा? अरे बोले खास कर जी, ये इधर बोले, इधर भैया, इधर आइए, इंडिया पर भरोसा है? इधर नीतीश जी पर भरोसा है? नहीं है भरोसा। चलिए प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।